मोदी सरकार के मंत्रालय बढ़ जाने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अगला लोकसभा स्पीकर कौन होगा। सबके मन में यही सवाल है कि बीजेपी ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनाएगी या इस बार किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। अगर ओम बिरला को बदला जाता है तो उनकी जगह स्पीकर कौन होगा, क्या स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल के नेता को मिल सकता है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय लोकसभा स्पीकर को लेकर दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, उनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन है कि आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष को रिपीट नहीं किया जाता, लेकिन आपको यह बता दूं कि पहले भी कई बार लोकसभा अध्यक्ष को रिपीट किया गया है। इस ऐतिहासिक फैक्ट के बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी उन नामों पर फोकस करते हैं जो अगला लोकसभा स्पीकर हो सकते हैं और इसके पीछे बीजेपी का क्या गणित है वो भी समझाता हूं। लोकसभा स्पीकर की लिस्ट में इस समय जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है उसमें पहला नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी का है और दूसरा नाम फिर से ओम बिरला का चल रहा है। ये दोनों ही नेता बीजेपी के सांसद हैं और इनकी लोकसभा स्पीकर बनने की अपनी अपनी मजबूत दावेदारी और काबिलियत है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की राजमुंदरी सीट से जीतकर आई हैं लोकसभा और 2004 और 2009 में भी सांसद रह चुकी है। इसके अलावा पिछली यूपीए सरकार में मंत्री पद संभालने का पुराना अनुभव है। 2014 में बीजेपी में आने के बाद डी पुरंदेश्वरी ने साउथ में बीजेपी की ताकत बढ़ाई है, इसी वजह से वो आज आंध्र प्रदेश में बीजेपी की अध्यक्ष हैं। पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाकर बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी कर रही है। अगर पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो इस पर चंद्रबाबू नायडू चाहकर भी नहीं मना कर पाएंगे। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। डी पुरंदेश्वरी के अलावा दूसरा नाम सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है ओम बिरला का। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कल तक ओम बिरला का नाम मंत्री पद के लिए चल रहा था लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए अब बात की चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें फिर से लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओम बिरला के पास लोकसभा स्पीकर का पुराना अनुभव है, उनके सभी दलों और नेताओं से बेहतर संबंध है। ओम बिरला का पिछला कार्यकाल सफल रहा और उनके काम से पीएम मोदी भी प्रभावित रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ओम बिरला तीन बार से लगातार राजस्थान के कोटा से सांसद बनकर आ रहे हैं। पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर बनाने की चर्चा इसलिए भी सबसे ज्यादा है कि ऐसा करके बीजेपी एक तीर से दो निशाने वाली रणनीति अपना सकती है। फाइनल नाम क्या होगा, कोई सरप्राइज नाम होगा, यह तो पता नहीं, लेकिन चर्चा में डी पुरंदेश्वरी का नाम इसलिए भी है क्योंकि डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की छोटी बहन है, यानी वो रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं और नायडू जी उनके जीजा जी लगते हैं। इसके अलावा पुरंदेश्वरी सियासी रूप से चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीब मानी जाती हैं क्योंकि 1995 में पुरंदेश्वरी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने जीजा जी यानी चंद्रबाबू नायडू का समर्थन किया था। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामा राव की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की थी और पुरंदेश्वरी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर जीजाजी चंद्रबाबू नायडू को सही ठहराया था। इस घटना की वजह से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए थे। ऐसे में अगर बीजेपी पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर बनाती है तो चंद्रबाबू नायडू पर एक सॉफ्ट प्रेशर बना रहेगा और उनकी पार्टी टीडीपी डी पुरंदेश्वरी का विरोध भी नहीं कर पाएगी। अब जीजाजी साली जी का कैसे विरोध करेंगे। दूसरा, एक तरह से बीजेपी जो है अपने नेता को स्पीकर भी बना देगी और टीडीपी भी खुशी होगी कि भाई ऐसा नेता है जिससे उनके भी संबंध अच्छे हैं। हालांकि अगर डी पुरंदेश्वरी के मजबूत पारिवारिक संबंधों को छोड़ भी दिया जाए तो वो स्पीकर के पद के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है। वो अपनी सियासी ताकत की वजह से आज आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाल रही है स्टेट में। आगे बढ़ने से पहले डी पुरंदेश्वरी का सियासी प्रोफाइल भी देखिए। डी पुरंदेश्वरी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के संस्थापक और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एनटी रामा राव की बेटी है। डी पुरंदेश्वरी के पति दग्गुबत्ती वेंकटेश्वर राव पांच बार टीडीपी से एमएलए रह चुके हैं। डी पुरंदेश्वरी ने 2000 में कांग्रेस ज्वाइन की और 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में वो यूपीए सरकार में एचआरडी मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुकी है। इसके बाद 2009 में वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री उनको बनाया गया। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके कामकाज को देखते हुए बीजेपी ने 2020 में ओडिशा का प्रभारी भी उनको बनाया। 2023 में डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष बनाने से बीजेपी की एक और सियासी रणनीति सफल हो सकती है। दरअसल पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के कम्मा समुदाय से आती है, चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय के हैं।
आंध्र प्रदेश की राजनीति में ये एक प्रभावशाली समुदाय है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है, इसलिए डी पुरंदेश्वरी के बहाने बीजेपी नायडू की पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है। इससे पहले भी एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में टीडीपी को लोकसभा स्पीकर पद दिया गया था, तब जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने। अच्छा, चूंकि कम्युनिटी का भी मामला है तो अगर विरोध करेगी टीडीपी तो होगा कि बताइए, उसी कम्युनिटी के नेता का विरोध कर रही है जो उनके लिए सबसे ज्यादा वोट करता है। लोकसभा स्पीकर पद की रेस में ओम बिरला का नाम भी चल रहा है, क्योंकि उन पर पीएम मोदी के अलावा बीजेपी हाईकमान को पूरा भरोसा है। इसके अलावा पिछली बार स्पीकर के पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में रिकॉर्ड है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत में ना आने की वजह से इस बार की चर्चा है कि एनडीए के कई सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। अगर बीजेपी इस प्रेशर को हैंडल कर लेती है तो ओम बिरला भी फिर से स्पीकर बनाए जा सकते हैं। अगर ओम बिरला दूसरी बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते और दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते तो ये एक रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि पहले भी लगातार दो बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही स्पीकर के नाम। करीब 40 साल पहले लगातार दो बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे। बलराम जाखड़ ने साल 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। इसके अलावा पीए संगमा और जीएमसी बालयोगी जैसे नेता दो बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन पूरे 5-5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। गठबंधन सरकार की मजबूरी के चलते ये दोनों नेता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर का नाम कब तक फाइनल हो सकता है। इसके लिए अभी आपको करीब एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। संविधान के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि स्पीकर का पद खाली होते ही सांसदों को जल्द से जल्द अपने में से दो सांसदों को बतौर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनना होता है। अब 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है, इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद का 8 दिन तक चलने वाला विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक का हो सकता है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल का सदस्य ही स्पीकर बनता है, लेकिन इस बार स्पीकर के चुनाव के लिए बीजेपी को सहयोगी दलों से भी सलाह लेनी पड़ सकती है, इसलिए डी पुरंदेश्वरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। खैर, स्पीकर कौन होगा ये तो वक्त बता देगा, लेकिन पाठशाला में अब अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। चुनाव खत्म, लेकिन योगी कैसे एक्शन में आ गए हैं यूपी में? वो ताबड़तोड़ फैसले जो यूपी का गेम पलट सकते हैं, यूपी में बीजेपी के दो बड़े नेता आपस में ही क्यों भिड़ रहे हैं, अखिलेश दिल्ली जाएंगे, राहुल की नजर उत्तर प्रदेश पर है, यहां अंदर ही अंदर क्या खेला हो रहा है, अब जरा यूपी का चैप्टर। लोकसभा चुनाव की सारी सरगर्मी अब खत्म हो चुकी, पीएम मोदी की नई सरकार ने काम शुरू कर दिया और इसी के साथ बीजेपी ने फ्यूचर के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया था। अब नतीजों के आधार पर हर पार्टी अपनी प्लानिंग कर रही, और अगर एक्शन की बात हो तो उसमें सीएम योगी सबसे आगे दिख रहे हैं। सीएम योगी सारे ढीले पॉइंट टाइट कर रहे हैं, कुछ तो ढीला रहा तभी तो ये रिजल्ट आया, तो सारा पॉइंट अब टाइट करने में लग गए। प्रशासनिक स्तर पर सिस्टम टाइट किया जा रहा है, भविष्य की चुनौतियों के लिए प्लानिंग तेजी से बढ़ रही। चुनाव नतीजों के बाद सीएम योगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन बीजेपी को सीएम योगी पर पूरा भरोसा है और इसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। जब एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी, उसी दिन यह मैसेज दे दिया था कि सीएम योगी ही सबसे बेहतर है यूपी के लिए और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं। ये मैसेज दे चुके नरेंद्र मोदी, जिसको जो कहानी बनानी है वो बनाए। एक और तस्वीर देखिए जो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की है, यहां सीएम योगी भी मौजूद थे। यहां सीएम योगी को देखिए बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। सीएम योगी की इमेज एक सख्त मुख्यमंत्री की है, और उन्होंने चुनाव नतीजों को पीछे छोड़कर आगे की तैयारी भी शुरू कर दी। आज ही सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक ली है। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया कि यूपी का विकास प्रभावित नहीं होगा, सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता को तेजी से पहुंचाना होगा। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जनता की परेशानियों को गंभीरता से लेना होगा। सीएम योगी किस तरह से एक्शन मोड में है यह कैबिनेट की बैठक से साफ हो गया, क्योंकि कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े 41 प्रस्ताव पास हो गए, 41। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई। 2024-25 के लिए ट्रांसफर नीति को भी मंजूरी दे दी गई। जेवर एयरपोर्ट के लिए ली गई जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया।
आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर को मंजूरी दे दी गई है, बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी के निर्माण को मंजूरी दे दी गई, गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दी गई है, राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास हो गया। लोकसभा चुनाव की वजह से बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई हैं।